हेलो गाइस, वेलकम बैक राज टेलर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक कोट की कटिंग करना बताएंगे दो बटन साइड चाक। तो दोस्तों, इसका मेजरमेंट देख लीजिए। दोस्तों, 29.5 इंच लेंथ है, 42 इंच इसका सीना है और 38.5 इंच इसका पेट है और 41.5 हिप है, 19.5 इंच इसका शोल्डर है, 26 इंच इसकी बाजू है, 17 इंच इसका क्रॉस बैक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको मार्किंग लगाना बताते हैं, इसके बाद में कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कपड़ा है 1.75 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कपड़े को बिछा रखा है, अंदर की साइड सीधी की हुई है और ऊपर की साइड उल्टी की हुई है, किनार के साथ किनार को मिलाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले किनार से एल स्केल को मिलाना है और ऊपर 1 इंच कपड़ा रखते हुए सबसे पहले एक मार्क कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों, अपने लेंथ है 29.5 इंच, 1/2 इंच प्लस करते हुए 30 इंच पे मार्क करेंगे और बॉटम फोल्ड के लिए नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसका चेस्ट है 42 इंच। तो दोस्तों, 42 है तो यहाँ पे इसका शोल्डर डाउन 10 इंच पे करेंगे और इसके ऊपर 1.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे। अब दोस्तों, इसकी स्लीव है 26 इंच, तो यहाँ पे 26 इंच और तीरे का हाफ लेंगे। तो तीरा है इसमें इसका 19.5 है तो ये हुआ 10.25 इंच, 36 इंच से 2 सूत कम, तो 36 का हाफ किया, 18 इंच पे आ गया निशान। ठीक है दोस्तों, ये है अपना पेट वाला मार्क। अब इन मार्कों को सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, अब अपने बैक में जो शेप लेते हैं वो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे अपने 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऊपर 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोस्तों, चेस्ट का अपने 12वां हिस्सा चाहिए, तो चेस्ट का 12वां हिस्सा होता है यहाँ पे 3.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे 1.25 इंच टीक को उठाना है और यहाँ से 1 सूत डाउन कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्क करना है। अब बैक की शेप करेंगे। तो दोस्तों, इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा, इसके बाद में शेप हट्टी की मदद से ये शेप करनी है ऊपर की। इसको ऐसे मिलाया और इसके बाद में इसको ऐसे शेप हट्टी को घुमाया और ऐसे मार्क कर लिया और इसको इस तरीके से और इसको ऐसे राउंड कर लेना है। अब दोस्तों, इसकी कमर का निशान लगेगा वो सीने का छठा हिस्सा। तो सीना है दोस्तों 42 इंच, 42 सीने का हुआ छठा हिस्सा 7 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको नीचे 1.25 इंच बढ़ाते हुए रखना है। यहाँ पे 7 इंच है तो यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 7.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, इसकी क्रॉस बैक, तो दोस्तों इसका शोल्डर है, तीरा है 19.5, तो यहाँ पे 19.5 और 1/2 इंच मार्जिन और इसको यहाँ से अपने 1.25 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरीके से ये मार्क करने हैं। इसके बाद में सीधे मार्क से आपको ये क्रॉस, ये वाला शोल्डर वाला और ये कमर वाला मार्क मिलाना है और यहाँ पे अपने मार्क कर लेंगे क्रॉस बैक के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसको नाप के देख लेंगे। ये आया 17.5 इंच, तो दोस्तों 17.5 इंच क्रॉस बैक सही रहेगा इसमें। इसके बाद में 1/2 इंच मार्जिन के लिए अलग से आगे एक निशान लगा लेना है। दोस्तों, जितना ये आया उतना ही ये यहाँ पे आएगा, ये देख सकते हो। यहाँ पे ये 7 इंच है तो यहाँ पे भी ये 7 इंच आएगा। अगर 7 इंच पे ये सही आएगा तो बिल्कुल सही रहेगा। अब दोस्तों, आपको शेप फट्टी की मदद से ये नीचे की शेप इस तरीके से करनी है और ऊपर की इस तरीके से।
दोस्तों इसमें साइड चाक है तो यहाँ पे डेढ़ इंच और यहाँ पे भी डेढ़ इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 8 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 7.5 इंच चाक खुल जाएगा इसमें। तो दोस्तों बैक पीस की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में फ्रंट पीस की कटिंग करना बताऊँगा। तो दोस्तों कोट की बैक कट चुकी है, अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक को साइड पे कर लेते हैं, इसके बाद में इस कपड़े को आगे की ओर में ले लेंगे, इसको आगे ले आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कपड़े को सही कर लेना है आगे, और अब यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर एक सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ पे किनार को छोड़ते हुए 1.25 इंच पे एक मार्क और सामने की साइड में कर लेंगे। इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से ये 1.25 इंच कपड़ा आगे रखते हुए एक लाइनिंग लगा लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको बैक पीस को फिर से उठाना है, अब इससे आपको मार्किंग उठानी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस लाइनिंग को यहाँ पे मिला लें, इस लाइनिंग तो दोस्तों यहाँ पे इस लाइनिंग को इस लाइनिंग में मिला लें इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पे जो है इसको सीधा कर लें, और यहाँ पे इसको भी सीधा करें, इसको भी यहाँ पे और इसको भी, और यहाँ पे इसको भी सीधा कर लेना है। और इस मार्के से आपको 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और इससे भी 1/2 इंच एक नीचे मार्क करना है। अब दोस्तों इस बैक को साइड पर कर लेंगे और इन मार्कों को थोड़ा लंबा खींच लेंगे सीधा करते हुए। इस तरीके से, और इस मार्के को भी दोस्तों थोड़ी दूर तक सीधा खींच लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों अपने 42 इंच चेस्ट है इसकी, तो हुआ यहाँ पे 10.5 सीने के चौथा हिस्सा। अब आपको सीने से 1/2 इंच कम कर देना है, ठीक है दोस्तों, 10.5 से 1/2 इंच कम करते हुए आपको तख्ती के लिए मार्क कर लेना है। और इस मार्के से आपको 1.25 इंच अंदर वेल्थ पॉकेट के लिए मार्क करना है, और 4.5 इंच की वेल्थ पॉकेट होगी इसमें। 2.25 इंच पे सेंटर ले लेंगे, इस सेंटर को सामने से नाप लेंगे, 6.5 इंच आया तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस मार्के से आपको 4 इंच नीचे पॉकेट लगानी है। अब इस पॉकेट वाले मार्के को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसका बटन रहेगा फर्स्ट बटन, और इस मार्के पे सेकंड बटन रहेगा, इससे 1/2 इंच ऊपर लेपल अपनी मुड़ेगी, नपेल जिसे कहते हैं। और ये दोस्तों अपना प्लेट का मार्का रहेगा जो सामने में डट आएगी उसके लिए। यहाँ से लगभग अपने
दो से ढाई इंच नीचे रखना है इसको। ये अपनी यहाँ पे वेल्थ पॉकेट रहेगी और इस तख्ती वाले मार्के को ऊपर की ओर में सीधा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे अपने एक इंच से पॉकेट स्टार्ट होगी इस मार्के से। अब दोस्तों जो गले का मार्क करना है वो सीने का 12वां हिस्सा, 3.5 इंच और 2.25 इंच इससे अधिक इस तरीके से। और इसकी डाउनिंग करनी है 3.5 इंच तो अपने है सीने का 12वां हिस्सा और 0.5 इंच इससे अधिक। और यहाँ पे अपने नॉर्मली 2 इंच पे लगाएंगे मार्क। इसके बाद में इसको ऐसे मिलाना है और इसको यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। अब इससे 0.25 इंच अंदर की साइड में एक मार्क करेंगे और इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। और इसका ऐसे राउंड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लेपल इसकी 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद में शेप हट्टी की मदद से ये शेप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये मार्क करने के बाद में अब आपको एक बार फिर से बैग को उठाना है और इसका ऊपर शोल्डर वाला मार्क लगा लेना है। इसको यहाँ पे रखा, इस मार्के पे मिलाया और यहाँ पे इसको मिलाया, इससे 3 सूत पीछे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इसको 2 इंच डाउन करेंगे तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इसको यहाँ पे इस तरीके से शेप हट्टी को रखना है और ऐसे मार्क लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों इसको 0.25 इंच पे मार्क करना है इस निशान से और इसको इस तरीके से रखना है और इसको यहाँ पे मिला लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस तख्ती वाले मार्के से 1.5 इंच आगे एक मार्क करना है। अब इसको टोटल नाप लेंगे, यहाँ पे आया ये 11.5 तो यहाँ पे 1 इंच कम करते हुए रखेंगे 10 इंच। अब शेप हट्टी की मदद से इस मार्के को यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और इसको नीचे सीधा ही लेके जाना है। तो दोस्तों ये कोट अपना गोल है आगे से, तो 2.25 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और शेप हट्टी की मदद से इसको ऐसे मार्क कर लेना है और इस तरीके से इसका राउंड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपना मेन रह गया फिटिंग का। तो दोस्तों अपने बैक पीस को उठा लेंगे और इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ 17.5 इंच यानी कि 9.25। तो 9.25 इंच को यहाँ पे बाहर निकाल देंगे इस तरीके से और 42 इंच अपनी चेस्ट है तो यहाँ पे 21 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 4.5 इंच का मार्क करेंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए और 2.5 इंच की लूजिंग यानी कि कोट यहाँ से 5 इंच लूज रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्ट के लिए कमर वाला मार्का नापना है, यहाँ पे ये 7 इंच है तो 6.5 इंच रहा तो 6.5 इंच को यहाँ पे रखेंगे और इसकी पेट है 38.5 2 सूत पे आया और इसके आगे 2 इंच का मार्जिन और 2 इंच की लूजिंग यानी कि 4 इंच यहाँ से पेट से लूज रह जाएगा कोट। अब दोस्तों हिप पे भी आता है इसी तरीके से, इसको यहाँ पे नापा ये 7.5 इंच तो 7.5 इंच यहाँ पे निकाल देंगे और हिप है 40.5 2 आया यहाँ पे 2 सूत और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन और 2.25 इंच यहाँ पे लूजिंग। इस तरीके से दोस्तों ये मार्किंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों डट के लिए अपने इस तरीके से ये
मार्जिन निकाल देंगे। ये डट के लिए यहाँ पे मार्जिन निकाल देते हैं इस तरीके से। इसके बाद में शेप पट्टी की मदद से ये शेप करनी है दोस्तों। अब ये अंदर रह रहा है इस मार्के से, तो अपने इसको टोटल नाप लेंगे। यहाँ पे ये आया 17 इंच, तो यहाँ पे अपने 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ रहा है, तो 1/4 इंच इस डट में डाल देंगे इस तरीके से। अब मार्क करेंगे, इस डट में 1/4 इंच आ जाएगा। अब इस डट को यहाँ पे इस तरीके से निकालना है। अब शेप फट्टी की मदद से ये साइड की शेप बन जाएगी। इस तरीके से ठीक है दोस्तों। अब एक बार फिर से आपको बैक पीस को उठाना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है। इस मार्के को यहाँ पे मिलाना है और इनको यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे इस मार्के को यहाँ पे सीधा कर लेना है और यहाँ पे इसको ऐसे सीधा कर लेना है। तो दोस्तों ये इस तरीके से मार्क लग जाएंगे। इसके बाद में इसको ऐसे सीधा करना है। अब दोस्तों इसका रह गया राउंड गले का, सॉरी दोस्तों आर्म होल का राउंड। अब दोस्तों इसको ऐसे राउंड करना है इस तरीके से, और इससे 1/2 इंच नीचे करते हुए और ऐसे राउंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब यहाँ पे 1/2 इंच की डट निकलेगी जितना ये इसको नीचे किया है। इस तरीके की ये इसमें डट निकल जाएगी। तो दोस्तों अपने 42 चेस्ट का कोट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों 42 साइज का कोट कट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको इसी कोट के स्लीव की कटिंग करना बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैं इस वीडियो में इतना ही डाल रहा हूँ। फ्रंट और बैक की कटिंग करना बताया है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसकी स्लीव वाला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा